बड़ा अजीब सी बात है, मेरा शाम का एक फोन कॉल एक लड़की की जिंदगी और फैमिली तबाह करके छोड़ दिया है ना। उसमें आपका कोई गलती नहीं है सर, मेरे लकीर पैसा ही लिखा होगा। फिलहाल लकीर को वैसे ही छोड़ दो, आप फिलहाल बारिश में भीगे हुए हैं, आप जरा नहा लीजिए, लो वो कमरा इस्तेमाल करो। मुझे और कोई रास्ता नहीं था इसलिए मैंने वहां से निकली, मुझे कहां जाना है बिल्कुल पता नहीं था इसलिए मैंने। वो सब बता चुका है ना, पहले आप भीगे नहा लीजिए, अगर बीमार पड़ गया तो मुझे इलाज करना नहीं मालूम। चलिए आपका कमरा वो है। सॉरी। गीला हुआ कपड़ा मैंने वहाँ पे रख दिया है, यहाँ लेडीज वाला कपड़ा नहीं होगा ना? क्या है कि यहाँ पे लेडीज नहीं है ना, और इसलिए ऐसा कपड़े भी नहीं होंगे, और मैं तो धोती और लुंगी भी नहीं पहनता, और आपका ये आगमन मैं सोचा भी नहीं था। फिलहाल वो वार्डरोब में एक बर्मुडा और शर्ट रहेगा, फिलहाल उससे मैनेज करो। फिट होने का चांस बहुत कम है, लेकिन आज जरा मैनेज कर लीजिए। वेलकम जेंटलमैन। कॉस्ट्यूम एक्चुअली मेरे से अच्छा है, आपके लिए जमता है, आइए। चावल पानी कुछ ज्यादा नहीं है, जरा सा स्नैक्स ही है समझ लेना, फिलहाल आज रात यहीं पे मैनेज करते हैं, कल एक रास्ता ढूंढ लेंगे। अरे बैठिए, दो दिन एक्चुअली स्टूडियो बंद है, उस बीच आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लीजिएगा, काम जब चालू हो जाएगा आपका ये टेंशन भी खत्म हो जाएगा। ये एड सब मैंने सिर्फ टीवी पे देखा है, मुझसे होगा क्या सर? जिंदगी सिर्फ एक ही है, और वो रो के बिताने का नहीं है, जीत के दिखाने का है, और ये अगर आपके मन में ठान लिया सक्सेस पक्का। यहाँ और कोई नहीं है क्या? एक दर्द लेके आप आए हैं यहाँ पे, मेरा कहानी किसी और दिन सुनाएंगे। कुछ भी खत्म नहीं हुआ, सब शुरू होने वाला है, वैसे समझना, मैं वैसा ही हूं। खाइए।